नमस्कार बच्चों, आर के त्रिपाठी कक्षा 9 में हम जैव विविधता में छोटा सा सोपान है या चैप्टर है या क्यों कह सकते हैं प्रश्न है, कैसे हम किसी जंत या वनस्पति को वर्गीकरण कैसे करें। जंत या और वर्गीकरण हमने आपको पहले ही बताया गया है, क्रमिक रूप से समानता और असमानता के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर किस प्रकार से हम वर्गीकरण करें या समानता और असमानता के आधार पर क्रमबद्ध करना, जंतुओं को क्रमबद्ध करना, ये वर्गीकरण कहलाता है। आपको बताया गया है कि वर्गीकरण के जनक, आधुनिक वर्गीकरण के जनक टैक्सोनॉमी के जनक कैरोलस लिनियस हैं और द्विनाम पद्धति के भी जनक कैरोलस लिनियस है। तो इसका सोपान कैसे हम किसी उसको करेंगे, जंतु को, अभी हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम जंतु जगत का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि किसी वस्तु जंतु का वर्गीकरण करते हैं, तो पहले हम डिवीजन या किंगडम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किंगडम, या इसे हम जगत कहते हैं। अगर वो जंतु जगत का है तो उसे हम जंतु लिखेंगे, वनस्पति जगत का है तो उसे हम वनस्पति लिखेंगे, जगत। फिर उसके बाद लेते हैं, फिर और भी वेरिएशन आती हैं तो उसे हम फाइलम या संघ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संघ लिखते हैं। फिर फाइलम को, तमाम फाइलम को हम क्लास में या वर्गों में विभाजित होते हैं करते हैं, क्लास या वर्ग में विभाजित करते हैं। फिर हम वर्ग को ऑर्डर या गण में विभाजित करते हैं, ऑर्डर या गण में विभाजित करते हैं। गण में विभाजित करने के बाद उसके बाद हम आते हैं, एक तो होता है वंश जिसे हम जीनस कहते हैं या वंश कहते हैं, और दूसरा अंतिम है स्पीसीज, इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जिसे हम जाति कहते हैं। तो किसी भी जंतु का वर्गीकरण करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, वंश या जाति की व्यवस्था करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जगत लिखते हैं, फिर फाइलम लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं, फिर ऑर्डर लिखते हैं, फिर जीनस लिखते हैं, फिर स्पीसीज लिखते हैं। स्पीसीज या जाति ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम परिभाषा देखें तो यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, और स्पीसीज जाति वह समूह है जिसमें जंतु एक दूसरे से रिप्रोडक्शन के लिए, यानी संतान उत्पन्न करने हेतु आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम स्पीसीज या जाति कहते हैं। और किंगडम सबसे बड़ा है और यानी टॉप पर है वर्गीकरण के, और स्पीसीज सबसे छोटी है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी जंतु का वर्गीकरण करना है हमको, तो किंगडम मान लिया जंतु है, तो किंगडम में क्या लिखते हैं हम? जंतु जगत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जंतु जगत। संघ, अब हमने बताया संघ के बारे में, मान लिया संघ वो पौरी फेरा का है जो छिद्रधारी जंतु है, या जो है कार्डेटा का है। तो मान लिया हम मनुष्य का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, तो मनुष्य का वर्गीकरण, या मान लिया मेढक का वर्गीकरण करते, किसी जंतु का अगर वर्गीकरण करना चाहते हैं तो फाइलम मान लिया हम लिखते हैं, क्या
संघ लिखे कार्डेटा, संघ कार्डेटा हुआ, वर्ग स्तनधारी हुआ। अब हम संघ कार्डेटा हो गया क्योंकि उनके रीढ़ की अस्थियां पाई जाती हैं, और भी हमने कार्डेटा संघ के लक्षण हमने बताया है आपको। क्लास वर्ग आपने महावर्ग पढ़ा है टेट्रापोडा, तो टेट्रापोडा न लिख करके हम दूसरे पायदान पे आते हैं जिसे हम जो है क्लास कहते हैं। तो क्लास ये स्तनधारी वर्ग का है। स्तनधारी वर्ग में आपको बताया गया है कि ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, ये सभी जो है स्तनधारी वर्ग के हैं। गले में यानी गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। गण ये प्राइमेट्स के हैं। क्या है? प्राइमेट्स। तो इस प्रकार से फैमिली, अगर हम मनुष्य की बात करें तो फैमिली यानी कुल होमोनेडी है। क्या है? होमोनेडी। ऐसे ही हम किसी जंतु का वर्गीकरण करते हैं। देख लीजिए, वर्गीकरण करते हैं जीनस होमो, और स्पीसीज सेपियंस। तो इस प्रकार से जीनस और स्पीसीज मिलकर के किसी जंतु का जंतु वैज्ञानिक नाम बन जाता है, वैज्ञानिक नाम बन जाता है, अर्थात मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपिनिस।